हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको LED टेस्टर बनाना सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने एक चार्जर लिया है। देखिए, ये चार्जर बिल्कुल नया है। इसको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, यह बिल्कुल ओके है। तो इस तरह का आपको भी एक चार्जर ले लेना है और इसका जो पिन है उसे हमें केबल से अलग कर देना है। इसके पिन का कुछ काम नहीं है तो इसे हमें यहाँ से कट कर देना है। तो चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, इस केबल के अंदर में दो तार निकलेगा, तो मैं इन दोनों तार को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। यह नॉर्मल मोबाइल का चार्जर है तो इसमें सिर्फ दो ही तार निकलेगा, लेकिन आजकल का जो मोबाइल चार्जर होता है उसमें चार तार निकलता है। तो उसमें से आपको सिर्फ दो ही रंग का तार लेना है, लाल और काला तार को ही यूज में लेना है, और जो बाकी का तार होगा उसे कट कर देना है। देखिए दोस्तों, इसमें का जो लाल तार है वह पॉजिटिव का है और काला तार नेगेटिव का है। तो सबसे पहले मैं दोनों तार को छील लेता हूँ, फिर इसका क्या करना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तार को छील लिया। अब हमें दो सुई ले लेना है और एक एक सुई को एक एक तार के साथ कनेक्शन कर देना है। सुई के पीछे की तरफ धागा फंसाने के लिए होल होता है, तो उसमें हमें इस तार को इस तरह से फंसा लेना है और इसे लपेट देना है। तो मैं दोनों तार को दोनों सुई में कनेक्शन कर लेता हूँ। देखिए, इस तरह से सुई के साथ तार को लपेट लेना है, अच्छे से लूज नहीं रखना है तार को, नहीं तो यह काम नहीं करेगा। अगर आप चाहें तो इस जॉइंट को सोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों तार का कनेक्शन मैंने कर दिया। अब हमें 0 नंबर कॉटन का पाइप लेना है और इस तरह से पाइप को सुई में लगा देना है। इससे जॉइंट कवर हो जाएगा। तो दोनों सुई में हमें 0 नंबर का कॉटन का पाइप लगा देना है। आपके पास यह पाइप नहीं होगा तो आप इसमें ट्यूब भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा यह टेस्टर बनकर तैयार है। अब मैं इस चार्जर में सप्लाई दे देता हूँ और फिर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, सप्लाई दे दिया मैंने। अब मैं इस टेस्टर से LED बल्ब को चेक करके दिखाता हूँ। तो चलिए, मैं एक पुराना LED बल्ब ले लेता हूँ और इसे चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से चेक करना है आपको। पॉजिटिव वाले तार को बल्ब के पॉजिटिव में लगाना है और नेगेटिव वाले तार को नेगेटिव में लगाना है, तभी यह LED बल्ब जलेगा, नहीं तो यह नहीं जलेगा। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखकर इसे चेक करना है। अब चलिए, मैं दूसरे वाले LED बल्ब को चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप इसका एक एक बल्ब आसानी से चेक कर सकते हैं। LED बल्ब के एक तरफ प्लस और दूसरे तरफ माइनस लिखा होता है। तो जिधर प्लस लिखा होता है उधर हमें लाल तार वाले पिन को लगाना है, और जिधर माइनस लिखा होता है उधर हमें काला तार वाले पिन को लगाना है। इस तरह से आप इसका एक एक बल्ब आसानी से चेक कर सकते हैं। जो LED खराब होगा वह नहीं जलेगा और जो LED सही है वह जलने लगेगा। तो इस तरह से आप इसका एक एक बल्ब चेक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।